क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, ये कानून पारित हुआ है सीए, इस पर क्या है आपकी राय? जो कानून पारित हुआ है सीए, वो तो हमारे राष्ट्र को सतर्क करने के लिए सही है सर वो कानून। और हम ये सोचते हैं कि देश के लिए अगर कानून कोई अच्छा है और समाज इससे सशक्त हो और राष्ट्र हमारा मजबूत हो तो हम उस कानून को अच्छा समझते हैं और लागू होने चाहिए ऐसे कानून। तो ये कानून किस हद तक सही माना जा देखते हैं आप? जो हमारे देश को मजबूत करे और हमारे समाज भी मजबूत हो, हमारे देश का विकास हो, जिससे हम उस कानून को सही समझते हैं, वो कोई भी कानून हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रशांत चौधरी। प्रशांत जी, ये जो कानून पारित हुआ है सीएए, इस पर आपका क्या राय है? ये सही है क्या? ये सही है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। कम से कम हमको ये तो पता लगे कि हमारे यहाँ कितने घुसपैठिए आ गए हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमको ये नहीं मालूम पड़ता था। अब कम से कम आदमी को अपनी खुद की आइडेंटिटी पहचान तो मालूम होगी कि हम अपने देश में हैं। और इसमें इससे इस कानून का थोड़ा फायदा ये है कि आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगेगी, सांप्रदायिक शक्तियों का नाश होगा और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बहुत सर्वोत्तम कानून है। तो मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कपिल भैया, ये जो कानून पारित हुआ चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ये कानून अच्छा कानून है, इसे लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकारी सुविधाएं जिनकी उन्हें तो मिलनी चाहिए ना, भारत के नागरिक उन्हें मिल नहीं पा रही है और बाहर के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। तो आप किस हद तक मानते हैं सही? नहीं, पूरे हम तो पूर्णता सही मानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नितेश सिंह भदौरिया जी, इतना बताइए जी, कानून पारित हुआ है ये, इस पर लेकर आपका क्या विचार है? अच्छा कानून है ये, सरकार जो लेके आ रही है बिल्कुल अच्छे नियम दे रही है, तो सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, इसको जरूर ले गए, इसका लिए बहुत सही है विचार इसका। भैया क्या नाम है आपका? संजीव यादव। संजीव भैया, ये कानून जो पारित हुआ है सीएए, इस पर क्या विचार है आपका? किस हद तक आप मानते हैं इसको सही? नहीं, मैं 100% इसको सही मानता हूँ और ये समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जितने भी हमारे आज़ादी के समय पड़ोसी मुल्कों में गए हुए थे, माइनॉरिटीज़ जो आज वहाँ पे हैं, बहुत संख्या घट गई है, वो वहाँ प्रताड़ित हैं, वो यहाँ आए हैं तो उन्हें यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, बहुत अच्छा कानून है, पूरी तरह समर्थन करते हैं, पूरी तरह स्वागत योग्य है और पूरी तरह केंद्र सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।